नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान आजकल अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसके माए बाप मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस खून खराबे पर इस्लामिक देश पाकिस्तान की नींव रखी थी, उस पाकिस्तान की आज हालत ये हो गई है कि उसके प्रधानमंत्री इमरान खान भी यूनाइटेड नेशन के उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 27 सितंबर को खून खराबे से भरा भाषण दे आए, जहां से विश्व भर के नेता दुनिया में शांति का संदेश देते हैं। हालांकि दुनिया भर में फैलाए जा रहे आतंकवाद का केंद्र बन चुके पाकिस्तान को भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। यूएन में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मेहत्रा ने पाकिस्तान को चुन चुन कर जवाब दिया। इससे पहले इनम गंभीर भी पाकिस्तान को यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबक सिखा चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की इन्हीं दो शेरनियों की, विदिशा मेहत्रा और इनम गंभीर की, जिनकी धार से पाकिस्तान थर्राने लगा। विदिशा मेहत्रा, पाकिस्तान खुद तो आर्थिक तंगी से जूझ ही रहा है, तो वहीं पड़ोसी देशों को भी अस्थिर करने में लगा रहता है। भारत में आतंकवादियों को भेजने वाला पाकिस्तान आजकल कश्मीर मसले पर बौखलाया हुआ है। शुक्रवार को गैर जिम्मेदार देश पाकिस्तान के धूर्त पीएम इमरान खान पहले तो यूएन के टोकने के बावजूद 56 मिनट तक खून खराबे की बात करते रहे, फिर भारत समेत पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी देते रहे। इमरान खान के भाषण के बाद राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने युवा अधिकारी विदिशा मेहत्रा को यूएन के मैदान में उतार दिया, जिन्होंने तर्कों और आंकड़ों से पाकिस्तान के आरोपों को तहस नहस कर दिया। Can respond to as a precursor to the proposed verification. Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN-designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters? And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? Mr. President, having mainstreamed terrorism and hate speech, Pakistan is trying to play its wild card as the newfound champion of human rights. This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today, and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, and Balochis to draconian blasphemy laws, systemic persecution, and blatant abuse and forced conversions. Their newfound fascination for preaching human rights is akin to trophy hunting of the endangered mountain goat, the Markhor. Pogroms, Prime Minister Imran Khan Niazi, are not a phenomenon of today's vibrant democracies. We would request you to refresh your rather sketchy understanding of history. Do not forget the gruesome genocide perpetrated by Pakistan against its own people in 1971 and the role played by Lieutenant General A.A.K. Niazi. UN mein Pakistan ko charo khane chit karne wali Vidisha Mehta Bharatiya Videsh Seva yani ki IFS ke 2009 batch ke adhikari hain, jinhone saal 2008 mein civil services ki pariksha pass ki thi. विदिशा ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूरे देश में 39वां रैंक हासिल किया था, जबकि 2009 में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए गोल्ड मेडल भी मिला था। विदिशा मेहत्रा फिलहाल यूएन में भारत की प्रथम सचिव हैं और वहां पर भारत की सबसे नई अधिकारी भी हैं। यूएन में उन्हें सुरक्षा काउंसिल सुधार, सुरक्षा काउंसिल पड़ोस या क्षेत्रीय से जुड़े मुद्दे देखने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO को भी देखने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके अलावा गुट निरपेक्ष देशों के साथ समन्वय और संयुक्त राष्ट्र के जरिए दुनिया भर के चर्चित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थान से संपर्क करने की जिम्मेदारी भी विदिशा मेहत्रा के पास है। इनम गंभीर,
इनम गंभीर ये उस महिला का नाम है जिसे पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता है, लोगों को जिहाद के लिए तैयार करता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, मगर फिर भी उसे पूरी दुनिया साल 2017 से पहले पाकिस्तान के नाम से जानती थी, लेकिन ये इनम गंभीर ही थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का नया नामकरण करते हुए उसे टेररिस्तान कहा। 22 सितंबर साल 2017 को यूएन में भारत की ओर से बतौर पहली मुख्य स्थायी सचिव इनम गंभीर ने अपने भाषण में पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा था, पाकिस्तान अपने छोटे से इतिहास में आतंक का पर्याय बन चुका है, वो जमीन जिसे पास बनाना था वो अब वास्तव में आतंक की जमीन बन चुकी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, टेररिस्तान इज इन फैक्ट अ टेरिटरी हुज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर इज अनपैरेलल्ड। पाकिस्तान कैन ओनली बी काउंसल्ड टू अबैंडन अ डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड व्यू दैट इज कॉज्ड ग्रीफ टू द एंटायर वर्ल्ड इफ इट कुड बी पर्सुएडेड टू डेमोंस्ट्रेट एनी कमिटमेंट टू सिविलाइजेशन order and to peace, it may still find some acceptance in the Committee of Nations. संयुक्त राष्ट्र में सबके सामने पाकिस्तान को टेररिस्तान करार देने वाली इनम गंभीर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली सचिव हैं। दिल्ली की रहने वाली इनम साल 2005 बैच की IFS यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से डिग्री ली है। बताया जा रहा है कि उनकी पहली पोस्टिंग मैड्रिड में थी। उस दौरान उन्होंने स्पैनिश भाषा में अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि वहां काम करने के लिए अंग्रेजी के अलावा स्पैनिश आना भी जरूरी था। इसके बाद इनम ने अर्जेंटीना और ब्राजील में भारतीय दूतावास में काम किया, फिर वो भारत लौट आई। संयुक्त राष्ट्र जाने से पहले इनम गंभीर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क पर भी काम कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में गंभीर को कई वर्टिकल देखने हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद सुधार, आतंकवाद निरोधी और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि IFS की हायरार्की यानी कि पद क्रम के मुताबिक इनम गंभीर जूनियर रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सचिव बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी जूनियर रैंक के अधिकारी को सचिव बनाया गया हो। फिलहाल इनम गंभीर अभी UN के स्थायी मिशन में भारत की ओर से काउंसलर के पद पर है। As a precursor to the proposed verification, can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters? And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? Mr. President, having mainstreamed terrorism and hate speech, Pakistan is trying to play its wild card as the newfound champion of human rights. This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today, and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, and Balochis to draconian blasphemy laws, systemic persecution, and blatant abuse and forced conversions. Their newfound fascination for preaching human rights is akin to trophy hunting of the endangered mountain goat, the Markhor. Pogroms, Prime Minister Imran Khan Niazi, are not a phenomenon of today's vibrant democracies. We would request you to refresh your rather sketchy understanding of history. Do not forget the gruesome genocide perpetrated by Pakistan against its own people in 1971 and the role played by Lieutenant General A.A.K. Niazi.